देखिए क्या है हिजाब, हिजाब कंट्रोवर्सी, हिजाब कंट्रोवर्सी। देखिए क्या है हिजाब, देखिए सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जैसे कुरान शरीफ है तो उसमें कभी भी ये नहीं कहा गया है कि किसी महिला को नकाब पहनना है या बुर्का पहनना है या हिजाब लगाना है। इसमें इस्लाम में सिर्फ कुरान शरीफ में यही कहा गया है कि महिलाओं या पुरुष हो आँखों का सील होना चाहिए, यानी कि सही तरीके का वस्त्र धारण करे जिससे आदमी सभ्य लगे अपना। ये होना चाहिए, ये नहीं कहा गया है कि आप है ना हिजाब या नकाब पहनिए, नहीं कि आप है ना मर्यादित कपड़ा वस्त्र पहनिए जिससे आपको सब सुशील लगे, है ना। आंखों में ये सील होना चाहिए मर्द और पुरुषों के लिए। लेकिन ये जो है ना कुछ समय में लगभग 100 वर्षों के इतिहास में ये जबरदस्ती हिजाब या नकाब है ना बुरका ये थोपा गया हुआ है। ये पुराने समय में अरब में ही होता था लेकिन हिंदुस्तान में मात्र 100 साल में ये जबरदस्ती थोपा गया है। तो ये बहुत ही बेकार है, एक औरतों को है ना सो बंधक बना के रखने जैसा चीज है। तो ये हिजाब कंट्रोवर्सी है, तो ये कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक स्टेट है, वहां पर हिजाब है, यानी कि वहां पर ना 31 दिसंबर के पहले वहां पर जितने भी स्कूल कॉलेज है उसमें है ना सो जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो बिना हिजाब ही के आती थी। उनको कोई है ना सो जैसे नॉर्मल हुआ बिना हिजाब के जो ड्रेस कोड हुआ उसी में आती थी। लेकिन 31 दिसंबर के दिन ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का उसका छात्र विंग है, संगठन है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कट्टरपंथी संगठन है, वो मुस्लिम छात्र छात्राओं को एक सभा बुला के ये घोषणा करवाता है कि ये स्कूल कॉलेज विद्यालय में जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो हिजाब पहन के ही जाएंगी, अगर हिजाब पहन के अगर नहीं जाएंगी तो फिर उसका विरोध करेंगी। लेकिन फिर है ना तो फिर उसके बाद जब हुआ कि है ना हिजाब पहन तो स्कूल तो फिर उसमें वो बोलने लगी कि नहीं सो हम जितनी भी मुस्लिम छात्राएं हैं बोलने लगी कि नहीं सो हम लोग स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो है ना सो हिजाब ही पहनेंगे नहीं तो एग्ज़ाम भी नहीं देंगे, क्लास भी अटेंड नहीं करेंगे। जिस पर स्कूल प्रशासन ने उसका विरोध किया और उनको एबसेंट कर दिया। तो अब है ना ये मामला हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट का फैसला ये आया है, हाई कोर्ट बोल दिया कि कर्नाटक में जितने भी स्कूल हैं स्कूल कॉलेज है उसमें जहाँ भी ड्रेस कोड लागू होता है उसमें हिजाब या कोई भी धार्मिक पहनावा जो होता है जैसे कि हिंदू में भगवा गमछा हुआ या धार्मिक कोई भी पहनावा हुआ, मुसलमान में हिजाब, ये सब कोई भी धार्मिक पहनावा पहन के कोई भी आदमी छात्र स्टूडेंट स्कूल कॉलेज नहीं जाएगा कर्नाटक के सभी स्कूलों में। तो ये लागू हो गया है और जब तक ये कोर्ट का हाई कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आएगा तब तक ये फैसला लागू होगा। तो ये फैसला ठीक है कि हालांकि हालांकि सो कोई भी नहीं जाएगा। तो इस सब के पीछे कौन है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है ना इसी का इसमें हाथ है। ये एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जो है ना सो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक विंग है, वही सब इसके पीछे हाथ है और ये वही लोग मिलके है ना सो कर्नाटक के शिमोगा में एक हर्षा नाम का एक बजरंग दल का कार्यकर्ता था जो फेसबुक पर है ना सो हिजाब के विरोध में पोस्ट लिखा था, उसका चाकू से गोद के शिमोगा में हत्या कर दिया है। उसके पीछे भी PFI, ये जो होता है ना PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक संगठन है कट्टरपंथी, उसी का हाथ है, वही ना बजरंग दल के कार्यकर्ता को भी मारा है। तो इसके पीछे वही है, यही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ना जो दिल्ली दंगा में हाथ था और शाहीन बाग में भी जो है ना सो सभा बुलाया गया था उसका भी है ना सो ये है ना सो पैसा का लेन देन का जो है ना सो ये सब काम किया था, यही है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो इसके पीछे यही है। तो ये हिजाब पहन के आप किसी भी स्कूल जैसे कि होता है स्कूल कॉलेज में है जो ड्रेस कोड लागू है आपको वह स्कूल कॉलेज हुआ या ऑफिस हुआ या विद्यालय हुआ या कहीं भी जब लोग जाता है तो वहाँ पर जो ड्रेस कोड है उसी में जाए, हिजाब पहन के जाने का क्या जरूरत है, फालतू का चीज़ है। इसीलिए हिजाब पहन के नहीं जाएगा, हाई कोर्ट इस पर रोक लगा दिया, जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक ये